हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू दिव्या भाग क्रिएटिविटी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ होली के लिए चंद्रकला गुजिया रेसिपी। तो इस होली आप कुछ डिफरेंट गुजिया बनाएं। चंद्रकला गुजिया बहुत ही टेस्टी और रसभरी होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 250 ग्राम, खोआ 100 ग्राम, बादाम पाउडर 50 ग्राम, शक्कर 5 बड़े चम्मच, देसी घी 50 ग्राम, 1 ग्राम केसर, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, कोकोनट 1 बड़ा चम्मच, रिफाइंड ऑयल या देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैदा लेंगे। तो 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है और इसमें 1 कप हम घी डालेंगे, अंदाजे से डालेंगे। इतना डालना है कि हमारा जो आटा है वो मिट्टी में गूंथने लगे। हमें घी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, आप इसकी जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें देसी घी से अगर बनाए तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अगर देसी घी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी जगह डालडा यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी का टेस्ट होगा वो फिर वो बात किसी और में नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा करके गूँथेंगे, अच्छी तरह से हाथों से इसको मैश करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि जो घी है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। तो जब हाथों से मुट्ठी बनने लगेगी, आप ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो मुट्ठी में आटा आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। तो इस तरह से हमें मोयम डालना है, मोयम की ये क्वांटिटी होनी चाहिए। और हमें आटा गूंथना है, बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं गूंथना है, आटा थोड़ा सा हार्ड ही होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार, आप लोग हमेशा नॉर्मल गुजिया बनाते हैं, लेकिन इस बार अगर आप चंद्रकला गुजिया बनाएंगे तो आप खा के देखेंगे, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा सख्त आटा हमें गूंथना है, आटे को अच्छी तरह से मसलना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा आटा जो है वो गूंथ के तैयार हो गया एकदम से, लेकिन इसको आटे को खूब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना रहता है। तो 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से हम आटे को गूंथेंगे। ये देखिए एकदम मुलायम आटा तैयार करना है, मतलब उसमें कहीं भी गुठलियाँ टाइप से ना हो और आटा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो आप चौके पर भी इसे खूब अच्छे से रख सकते हैं। फिर इसे हम ढक के गीले कपड़े से रख देंगे, हम बाकी तैयारी करेंगे। इसको थोड़ा रेस्ट करने देंगे। अब हमें फिलिंग तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने 1/2 चम्मच देसी घी डाला है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच या आप 1 छोटा कप देख सकते हैं या 100 ग्राम के आसपास हम इसमें नारियल का पाउडर डालेंगे, नारियल बुरादा डालेंगे। इसमें थोड़े से मैं बादाम कट करके डाल रही हूँ, काजू, पिस्ता, तो जो भी मेवा डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ये 100 ग्राम मावा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इंस्टेंट मावा है। इंस्टेंट मावा की रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं, या फिर आप बाज़ार का मावा या आप घर में बना सकते हैं दूध को गाढ़ा करके। इसमें हम चीनी डालेंगे, तो थोड़ा मावा है तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि ये चाशनी में बनेगा तो चीनी इसमें थोड़ी कम ही डालनी है। इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको चाशनी बनाना बता रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने चीनी ली थी और उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने पानी डाला है। थोड़ा सा केसर डाल देंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से पकने देना है। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, चाशनी ऐसी बनानी है कि हाथ में चिपकने लगे, ये देखिए। अब हमें बेलना है, तो आटा लेंगे, उसकी गोलियां बनाएंगे, थोड़ा बड़ी गोली बनानी है और इसे हम बेलेंगे। तो काफ़ी बड़ा गोला बनाना है हमें, पूरी चौके के बराबर। आप इस तरह से रोटी बना सकते हैं, ये देखिए। और जो उसकी लेयर है वो थोड़ी पतली रखनी है, और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। अभी मैं आपको लेयर दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से बड़ी रोटी बेल लेनी है। अब कोई भी आप गिलास या कटोरी ले सकते हैं, उसकी साइज़ इस तरह से होगी जिस साइज़ की आपको चंद्रकला बनानी है, और इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो 1 रोटी में 2 चंद्रकला बनके हमारी तैयार हो जाएगी। अलग कर लेंगे।
तो इस तरह से चार छोटे गोले हमें मिल गए हैं। अब इसमें से दो दो गोले यूज़ करके हमें हल्का सा इसको बेल के फैला देंगे। अब इसमें हमें फिलिंग करनी है। अगर आपको थोड़ा मोटा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इसको और बेल सकते हैं इस तरह से हल्के हाथों से। तो एक साइज़ की चंद्रकला बनाने के लिए आप एक ग्लास को यूज़ करेंगे। आप अलग से बेल भी सकते हैं छोटे छोटे इस तरह से, लेकिन एक साइज़ की बन नहीं पाती हैं तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे। अब इसमें आप फिलिंग रख देंगे इस तरह से। तो एक छोटी गोली बनाकर इसको रखना है और थोड़ा उभरा हुआ रहना चाहिए, तो अच्छे से फिल करना है। ये देखिए, ये बेसन और पानी का घोल बनाया है। इसको हमें किनारे पे लगाना है, इस तरह से लगाना है। इससे हमारी जो गुजिया हैं वो फटती नहीं है किनारे से। तो जो ये हमने छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं या पूड़ियां बनाई हैं, ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो फिलिंग है वो फट के बाहर आ सकती है। तो एक मीडियम थिकनेस होनी चाहिए, आप देख सकते हैं कितनी है। इसे अच्छी तरह से हम कॉर्नर पे इसको इस तरह से चिपका देंगे, प्रेस कर देंगे चारों तरफ। ये देखिए इस तरह से। अब इसके कॉर्नर पे हमें मोड़ देना है, तो इस तरह से हम कॉर्नर को मोड़ देंगे तो एक अच्छा लुक आ जाता है। आप चाहें तो फोक की मदद से इसे आप इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, या आप कॉर्नर पे जैसे गुजिया को कट करते हैं उस तरह से कट कर सकते हैं, या इसका सांचा भी आता है तो आप सांचे से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह की डिज़ाइन ही जो है चंद्रकला में बनाई जाती है इस तरह से। इसको गोठना बोलते हैं, तो हम साइड से गोठ देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से सारी चंद्रकला गुजिया हम फिल करके रख लेंगे। फिर इसको हमें तलना है। तो अगर आप थोड़ी देर बाद तलना चाहते हैं तो जो गुजिया आपने बनाई है उसे किसी गीले कॉटन के कपड़े से आप ढक देंगे और इसको बाद हम तलेंगे। तो तेल को, या आप अगर घी में बनाएं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर देसी घी में बनाएंगे तो उसका स्वाद अलग ही होगा। तो जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो एकदम फ्लेम को एकदम धीमा कर देना, और जिस तरह से आप समोसा पकाते हैं उसी तरह से एकदम धीमी आंच पे इसे पकने देना है। तो ये एकदम करारी गुजिया बनती है। नहीं तो अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जो मैदा है वो बहुत जल्दी से मुलायम हो जाएगा और फिर वो बात नहीं आएगी। तो एकदम धीमी आंच पे इसे हमें पकने देना है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो एकदम धीमी आंच पे पकाना है हमें, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इसके साथ, नहीं तो फिर उतनी जो कुरकुरी इसकी जो लेयर होती है मैदे वाली वो कुरकुरी नहीं हो पाएगी। और कोई भी गुजिया आप बना रहे हैं, हर गुजिया में या समोसा बना रहे हैं, तो उसकी जो लेयर होती है उसको एकदम हमेशा मैदे की जो लेयर होती है अगर हम धीमी आंच पर पकाएं तो वो एकदम कुरकुरी बनती है। हल्का ब्राउनिश होने तक या रेडिश होने तक हमें उसे तलना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको चाशनी में डाल देना है। चाशनी के में डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे पलट देना है दोनों साइड में, ताकि जो चाशनी है वो अच्छी तरह से फिल हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम पलट देंगे। और केसर डालने से इसका कलर कितना अच्छा आया आप देख सकते हैं चाशनी से। और जो केसर का जो फ्लेवर होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो केसर आप अगर एक तो जो आपकी केसर के दाने होते हैं वो अगर आप डालें या जो पत्तियाँ होती हैं उसकी, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस हमारी चंद्रकला गुजिया तैयार है। तो इस तरह से गुजिया बना के आप इसे रख सकते हैं। और जो हल्की गर्मा गर्म गुजिया खाने का मज़ा है, आप एक बार ज़रूर जो हल्की सी गर्म गुजिया होती है ना वो खाइए, उसका जो टेस्ट और फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप गुजिया एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इस होली आप भी खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। इसके ऊपर हम सजा देंगे थोड़ा। तो ये जो रेसिपी थी वो मेरी सिस्टर ने बनाई है, और चैनल चलता है उसका लव योर सेल्फ, वहाँ पे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो आप उसका वीडियो ज़रूर देखिए, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।